नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। सपनों का शहर, शिक्षा की नगरी, ये कोटा सिटी है। कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा एक तरफ विकास के नए आयाम गढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सुसाइड की घटनाओं के चलते सुसाइड सिटी बन चुका है। चंबल किनारे बसे शहर में देश के कोने कोने से नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना बुनकर आते हैं, लेकिन जब सच होने से पहले ही सपने मरने लगे तो ये बेहद चिंतनीय है। सिलसिला आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। इस साल 9 महीने में 25 बच्चे भविष्य के बोझ के आगे फंदे पर लटक गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुसाइड करने वाला हर दूसरा बच्चा एलएन कोचिंग का विद्यार्थी है। कोचिंग के लिए मशहूर शिक्षा नगरी कोटा के लिए एलएन कोचिंग संस्थान अब एक बदनुमा दाग साबित हो रहा है। एलएन कोचिंग न जाने कितने बच्चों को फ्यूचर का ख्वाब दिखाकर हमेशा के लिए सपना बना चुका है, लेकिन रोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, और कितने बच्चों के मुर्दा जिस्मों का बोझ उठाएगी शिक्षा नगरी। आखिर स्टूडेंट्स क्यों डिप्रेशन में आकर दुनिया को अलविदा कह रहे हैं? कब तक यूं ही जिंदगी के इम्तिहान में दम तोड़ते रहेंगे सपने? आज बात इसी जरूरी मुद्दे पर। बहुत बार कॉल कर चुकी है, किसी की वो प्रेशर में है, कोई व्हाट्सएप चैट वायरल की है, ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जाने। देखिए, मुद्दा इतना जरूरी है कि अब कोटा का जिक्र जब जब होता है तो सबसे पहले उन सुसाइड्स की घटनाओं के बारे में जानकारी सामने आती है। जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो से बेहद खास पैनल हमारे साथ आज जुड़ चुका है। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, हिमांशु शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिता गौतम जी मनोचिकित्सक हैं और दीपक सक्सेना जी करियर काउंसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है राजेंद्र मेघवाल जी, 9 महीने 25 बच्चों के सपने कफन में तब्दील हो गए, गलती कहां हो रही है सर, कहीं तो फेलियर है? देखिए जयदी जी, जहां तक कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों की जो आत्महत्या की घटनाएं हैं, ये वास्तव में सभ्य समाज के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए झकझोड़ने वाली घटना है। और किसी भी बच्चे का जाना, वास्तव में उनके पेरेंट्स से पूछा जाए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, तो यहां पर ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक चीजें हैं। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी जो कि अपना अपने जो अपेक्षाएं हैं या उनके ऊपर जो प्रेशर डालते हैं या जो अपने सपने होते हैं उनके अंदर वो देखते हैं, बच्चे की योग्यता नहीं भी है तो भी उसके ऊपर अनावश्यक दबाव होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और कोचिंग संस्थानों को भी जिस तरीके सोचना चाहिए। और आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तमाम स्टेक होल्डर्स, जो चाहे कोचिंग संस्थान के ऑनर्स हैं या संचालक हैं, प्लस पुलिस प्रशासन है, अभिभावक हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, कैरियर काउंसलर हैं और मनोचिकित्सक हैं, उन तमाम लोगों को आकर अपील करी और खासकर कोचिंग संस्थानों के संचालकों को फटकार भी लगाई कि क्या आपने इस तरीके का ये कारोबार और ये जो कॉमर्शलाइजेशन है, ये व्यवसायीकरण जो कर दिया है शिक्षा का, जिस तरीके से आपने डमी स्टूडेंट्स भर्ती कर लेते हैं, बच्चों का बचपन छिन गया है और आज यहां पर इतनी, और इसमें सरकार को आगे आकर कोचिंग रेगुलेटरी बिल पे भी आपको पता कैबिनेट में डिस्कशन हो चुका और उसके बाद में गाइडलाइन भी बन गई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि हमारे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के जो सेक्रेटरी हैं श्री भवानी सिंह देता, जो कि आईएएस है, सीनियर आईएएस है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसके अंदर तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको रखा गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। तो उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को अपने घंटे घटाने होंगे, प्लस जो वीकली टेस्ट है वो घटाने पड़ेंगे, उसके साथ में मनोरंजन गतिविधियां भी शामिल करनी पड़ेगी, बच्चे पे तनाव नहीं आना चाहिए। आज समस्या यह है कि बच्चा गीली मिट्टी है, अगर 16 साल से कम उम्र का है, जब आज 10वीं में भी एडमिशन दिलवाए जा रहे हैं, 8वीं में भी हो रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर जो अनावश्यक हम दबाव डाल रहे हैं ये बहुत गलत है। लेकिन राजेंद्र जी, सरकार की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद कुछ को ऐसे कोचिंग सेंटर्स से, और एलएन का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हर दूसरा बच्चा, और ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर दूसरा बच्चा जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, जिसे जिंदगी का मतलब नहीं पता, वो एलएन कोचिंग संस्थान से, और बावजूद उसके धड़ल्ले से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो आदेश है, कलेक्टर के आदेश है, प्रशासन के आदेश है, कुछ जानकारी तक अभी आगे बढ़ने की बात कोई?
देखिए जयती जी, जहां तक एक ये देखो आर्थिक पक्ष भी है जिसमें आपके अभिभावकों पे या बच्चों के ऊपर अनावश्यक जो फीसें, आपको पता लाखों में फीसें ली जाती है, तो सरकार ने आगे बढ़कर ये फैसला किया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत शुरुआत में हमने 15,000 बच्चों का सिलेक्शन किया, उसके बाद में 30,000 बच्चों का, और राजीव गांधी एक्सीलेंस जो एजुकेशन के माध्यम से सरकार कर रही है, ऊपर सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, और अभी जो गाइडलाइंस भी आई उसके अंदर भी उनको कहा गया भी आपको कैरियर काउंसलर भी रखने पड़ेंगे, आपको मनोचिकित्सक भी रखने पड़ेंगे, आपको घंटे भी घटाने पड़ेंगे, और तमाम में फर्जी विज्ञापन देकर भी आप जिस तरीके से, क्योंकि 9 महीने और 25 बच्चों की जिंदगी खत्म होना, उन परिवारों की व्यथा, उनके दर्द को तो हम शब्दों में समझ भी नहीं सकते ना बता सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि गाइडलाइंस जारी हो रही है, अब तक सरकार के लोग कहते हैं कि माफिया कोचिंग, माफिया एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अब किया जाने लगा है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कोचिंग माफिया इस वर्ड से? देखिए पहली बात तो किसी प्रकार की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को इफेक्टिव करने में, उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकार के पास एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पास है। दूसरी बात, यह सामाजिक मुद्दा है, समाज के सभी लोगों को मिलकर इसको एड्रेस करना यह बात बिल्कुल सही है, परंतु दुख तब होता है, दर्द तब होता है जब इन्हीं के मंत्री कोटा में अगर कोई आत्महत्याएं होती हैं उनको प्रेम प्रसंग का मुद्दा बना देते हैं, अगर रेप की घटनाएं आती हैं तो उस पे वो राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बता देते हैं। जब मंत्री इस तरीके से सोसाइटी को इस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसके पास कोटा में जो रेप हो रहे, कोटा के अंदर जो सुसाइड हो रहे हैं उनसे निपटने की इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरी बात, काउंसलिंग होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया, मुख्यमंत्री ने अपील की, मुझको लगता है हम सबको मिलकर लड़ना होगा, परंतु जब ये लोग चुनाव में गए थे तो 2018 के अंदर जो चुनाव घोषणा पत्र आया था उस चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, हम एक कानून बनाएंगे, वो कानून ये उसका एक ड्राफ्ट 2023 के प्रारंभ के अंदर जनता के बीच में लाते हैं, परंतु उस ड्राफ्ट का कुछ नहीं हुआ, उस ड्राफ्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरा कहना है कि अगर उस ड्राफ्ट के ऊपर अगर किसी की कोई आपत्ति थी, समाज के कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे, तो उन आपत्तियों को दूर करते हुए नया ड्राफ्ट लाना चाहिए था और उस नए ड्राफ्ट को विधानसभा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। और ये केवल मेरी आवाज नहीं है, ये आमजन की भी आवाज है, और इन्हीं के नेता संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उस बिल को नहीं लाया गया है, वो उससे बहुत दुखी थे। राजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है, प्रावधान तो किए गए हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए इसकी इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है, क्या जवाब? देखिए जयती जी, ये मुद्दा बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है और इसको एड्रेस करने के लिए हमें तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पेरेंट्स हैं, कोचिंग संचालक हैं और भी जो हमारे कानून विशेषज्ञ हैं उनसे, तमाम लोगों से राय। आपको पता है कि अननेसेसरी प्रेशर कब होता है कि परिवार वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए जिस तरीके से वो अब तक सुसाइड हुई है, यानी कोई तो और मंत्री बच्चों की, आप पूछिए ना इनसे, मंत्री ये कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। देखिए अरे भाई, अगर प्रेम प्रसंग का मामला है तो उसको एड्रेस नहीं करेंगे क्या? और झूठा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, मामला के बयान शर्म आनी चाहिए आपके मंत्री के बयान पर, डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिबेट कर रहे हैं कि इन घटनाओं को रोका कैसे जाए। सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तभी सरकार ने पूरी तरीके से उसको प्रेम प्रसंग का मामला बता के से गाइडलाइन बनाकर कहा, कौन सी गाइडलाइन बनाई कि पॉलिसी ये बनाई कि इजी एग्जिट की पॉलिसी दी, मेरे पास की उस बिल फंड का प्रावधान किया, सरकार के आदेश की कॉपी है, अगर बच्चे फेल हो जाते हैं उस आदेश को आपके सामने पढ़ के सुना सकता हूं, चुनने की आजादी। तो आज यहाँ पर कोचिंग संचालकों का प्रेशर है, मामले को ये प्रेम प्रसंग का मामला बना के दबाव में उनके ऊपर सरकार ने पूरी तरीके से दबाव बनाया, सरकार का अगर दबाव था तो सरकार को उस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो भी आवासीय कोचिंग संस्थान है
हैं उनके अंदर हर मूवमेंट का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और जो भी भ्रामक विज्ञापन देते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो इन गाइडलाइनों को नहीं मानेगा कांग्रेस के दंडात्मक कार्रवाई होगी। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 इसको विधानसभा में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? अगर इस पर कोई आपत्ति थी आमजन की या किसी स्टेक होल्डर की तो उस आपत्ति का निराकरण करके उसको विधानसभा में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? ये आपके चुनाव घोषणा पत्र के बाद में उसके तमाम जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो भी सुझाव दिए वो उसके अंदर है। 22 के अंदर जो ड्राफ्ट बना था उसके अंदर तमाम चीजें हैं और उसके बाद में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हाईकोर्ट की गाइडलाइन विधानसभा में बनाइए बिल बनाने प्रभावी है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। तो आज कोचिंग माफिया पर शिकंजा है और कहीं ना कहीं मैं फिर बताना चाहता हूं ज्योति जी, देखिए कोचिंग माफिया को संरक्षण विधानसभा में किसका है? शिकंजा है इनसे पूछ लीजिए। और उसके बाद कोटा के अंदर कोचिंग माफिया को संरक्षण किसका है इनसे पूछ लीजिए। अगर ये जवाब दे दे तो यहीं पे फैसला हो जाएगा। आपकी सरकार रोक नहीं पा रही है। देखिए सुनिए, आपकी सरकार केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपको भी देखना पड़ेगा। जब जब तारीखें होती है उससे हम दूर हो चुके हैं। रूट कॉज समझने की जरूरत है। अनिता जी हमारे साथ में है, बेहतर समझा पाएंगी, मनोचिकित्सक है। मैम एक तो परिवार का इसमें यह कहना है कि परिवार के सपने, कुछ परिवार कह रहे हैं कि हम लाद नहीं रहे, वो एक कोशिश है अपने सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करवाने की, और कुछ परिवारों का वो पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला रुख कि बच्चे निकल गए, पीछे मुड़ के मत देखना। आप कितना मानते हैं कि घर से दूर एक 16 साल के 18 साल के बच्चे पर वो दबाव जो उसको ये करने के लिए फोर्स करता है कि कोचिंग में एडमिशन लेने के 20 दिन के बाद में छत से कूद जाना, 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के अंतराल में इतने सारे सुसाइड केसेस देखकर हैरानी होती है मैम, कहां पर फेलियर हो रहा है? देखिए फेलियर तो मेरे ख्याल से समाज के हर एक वर्ग पे हो रहा है। अगर माता पिता की बात करें तो आप सही कह रहे हैं, माँ बाप अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर डालते हैं और कहते हैं, उनको हर बार ये जताया जाता है कि हम हमारा सारा गिरवी रखकर तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, तुम्हारा मेन काम वहां पे पढ़ाई है, फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, इसके अलावा बच्चों से बातचीत नहीं होती। होता क्या है कि बच्चों को अकेला वहां भेज दिया जाता है, सबसे पहले तो बच्चा होमसिक होता है, माँ बाप से अगर बात होती है तो कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि कितना पढ़ा, कितनी पढ़ाई करी, कितना नंबर आया है, कहीं ना कहीं बच्चा और अकेला हो जाता है। आसपास उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी यही बात करता है कि क्या नंबर आए, कब आए और कितनी तुमने पढ़ाई करी है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं घुटन भर जाती है। एक पीयर प्रेशर की उसका मार्क्स इतने आए, मैं अभी भी पीछे चल रहा हूं, कोप अप नहीं कर पा रहा हूं। कोटा के अंदर सिर्फ ना राजस्थान के बल्कि पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, कई बच्चे हायर सोसाइटी से, कुछ मान लो गरीब घर से भी है, कहीं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, जब वो वहां पे जाके पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ाई हो रही है। उनका एक मेन ड्रॉबैक, मैं सबसे पीछे बैठा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सर क्या पढ़ा रहे, मैम क्या पढ़ा रहे, कुछ चीजें, एक अकेला कारण नहीं है बच्चे पे, बहुत सारे कारण है और कहीं ना कहीं हम उन कारणों को ढूंढ नहीं पा रहे। बात सही है कि काफी सारी कोशिशें की गई है, काउंसलर भी रखे, लेकिन कोशिशें नाकाफी अभी नजर आ रही है, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो कोटा इंस्टीट्यूट या जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर कितना बड़ा लंबा है, एक कोचिंग क्लास के अंदर 70-80 बच्चे, क्या एक टीचर की आवाज वो 70-80 बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा? माइक से पढ़ा रहे, उन बच्चों से वो एक कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा, सिर्फ उसने बोर्ड पर पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, क्योंकि उसको कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं कि कारण बहुत सारे हैं, औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही है, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्लास को पूरा भरा हुआ दिखाना है, भरा हुआ दिखाना, बल्कि काउंसलर भी हर एक बच्चे से बात नहीं कर पा रहे। दीपक सक्सेना जी हमारे साथ में है, करियर काउंसलर। मैम लौटूंगी आप पर क्योंकि इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दीपक जी सबसे बड़ी बात और फर्सिंजा का हमेशा से ये सवाल रहा है कि स्कूल की पढ़ाई के बाद क्या वाकई में इतनी जरूरत बच जाती है कि बच्चा अपने घर को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह पर जाए और फिर कोचिंग स्पेसिफिकली नीट की, इंजीनियरिंग की या फिर जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की वो कर रहा है वो करे, क्या स्कूल की शिक्षा पर्याप्त नहीं है इस समय? आपको लगता है समय कहीं फेलियर वहां पर? जी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। जी नंबर बड़ी बात है सर, ये इसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि सुसाइड्स जो हो रहे हैं उसके पीछे रियल कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। आप शुरू से चल करके देखिए, आज हमारा परिवार जो है वो एकीकृत नहीं होकर के छिन्न भिन्न हो चुका है और उसी में दादा और दादी और नानी की जो कहानियां हैं वो हमारे बच्चों को आज उपलब्ध नहीं है, जिससे उनको कुछ ना कुछ सीख मिलती थी। हम घरों में
लूडो खेलते थे, हम घरों में सांप सीढ़ी खेलते थे। उस सांप सीढ़ी में जब 99 पर आकर के सांप जब काटता था और फिर 2 पर वापस पहुंचते थे तो उससे बच्चों में पेशेंस की बढ़ोतरी होती थी। बच्चे इन छोटे छोटे खेलों से अपने अंदर पेशेंस डेवलप करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। उसके अलावा माता पिताओं की जो और दूसरा अभिभावक और जो टीचर्स और जो पीयर प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है बच्चों के ऊपर कि मैं जो अगर नहीं बन सका वो मेरा बच्चा बनना चाहिए। पेरेंट्स के पास मुख्य रूप से 4 ही कॉलम्स वो लेकर के चलते हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर उसके बाद लॉ और या फिर CA। इन 4 के अलावा उनके पास ऑल्टरनेट्स उपलब्ध नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, शायद मैं 1,00,000 बच्चों से ज्यादा काउंसिल कर चुका हूं। उसमें मेरे साथ जब बच्चे कांटेक्ट करते हैं, मेरे साथ बच्चे बैठ करके बात करते हैं तो उनका दर्द छलक आता है और वो ये कहते हैं कि हमें इस PCM या PCB लेने के लिए जोर दिया जा रहा है, हमें CA बनने के लिए जोर दिया जा रहा है। अब वापस प्रश्न यही उठता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि केवल JEE और NEET के बच्चे ही सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? उसका कारण भी मैं सबसे बड़ा आपको यही बताना चाहूंगा कि बच्चों की जो काउंसलिंग 10th ऑनवर्ड्स हो जानी चाहिए, करियर काउंसलिंग उनकी 10th ऑनवर्ड्स हो जानी चाहिए, वो उसका पूरी तरह से अभाव है। किसी भी सरकार का, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे और कोई हो, किसी का भी जो है वो हायर एजुकेशन पर या स्कूल एजुकेशन पर कहीं भी कोई पिन पॉइंट उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं रहते हैं। वो सिर्फ अपना ये चाहते हैं कि हमारी सरकार चलती रहे। वहां पर स्कूल एजुकेशन में हम बात करते हैं, काउंसलर्स की बात हम करते हैं, जो टीचर्स वहां पे ऑलरेडी टीचिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो इतिहास का अध्यापक हो, गणित का हो या साइंस का हो, उन्हें काउंसलर बना दिया जाता है, करियर काउंसलर बना दिया जाता है। उनके पास कहां से आएगी ये वो नॉन इन्फॉर्मेशन? वो उनके पास जितनी सी इन्फॉर्मेशन है वो उनको देते मेरे ख्याल में दीपक जी आज समय जिस समय हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं, हर दूसरा बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है कि करियर में उसको करना क्या है। आप तक इस तरह के केसेस आते भी होंगे और आलम तो ये हो गया है, राजेंद्र जी अगला सवाल मेरा आपसे है, आलम ये हो गया है कि घर का बच्चा अगर 10 मिनट के लिए घर का दरवाजा बंद करके अपने रूम में बैठा है तो डर लगने लगता है माँ बाप को, वो गेट खटखटाने लगते हैं कि कुछ अनिष्ट उसने अपने साथ नहीं कर लिया हो। ये डर कैसे निकलेगा सर? ये डर इस समय निकलना और फिर वो घटनाएं भी रुकना, इसके लिए प्रभावी काम और ज्यादा करने होंगे साझा तौर पर। देखिए, जहां तक मैंने बताया कि प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी कमेटियों का गठन किया जा चुका है और हर जिला स्तर पर जो ADM की अध्यक्षता के अंदर भी कमेटी बन चुकी है, उसमें तमाम डॉक्टर्स हैं, SP हैं और जो लोग भी हैं। उसके अलावा मैं यहां पर सबसे अहम जो बात है ना कि जो स्टूडेंट्स का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमने ये जो नया परिदृश्य देखा, ये जो मतलब ये आपका 21वीं सदी है, इसके अंदर खासकर जो प्रतिस्पर्धा बच्चे क्या एकदम से ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ गए, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी हमें काम करने की जरूरत है और उनका जो मानसिक संबल है, मानसिक संबल रही उनके लिए क्या किया जाए, नहीं मानसिक संबल, मानसिक संबल कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए हमारे तमाम स्कूलों के अंदर करियर काउंसलर की भी आवश्यकता है और जो मानसिक मनोचिकित्सक है उनकी भी आवश्यकता है और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ सकता है और बच्चों के साथ में उनको, अभी आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने एक किया कि नो बैग डे भी कर दिया, शनिवार के दिन कोई बैग नहीं लेके जाना है बच्चों का, बच्चों के जो बोझ है मतलब बैग का बोझ है वो भी कम किया। तो ये तमाम चीजें और हमें बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उनके कैरियर को लेके उन्हें वो तमाम ऑप्शन बताने पड़ेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी पाबंद किया है कि अगर कोई बच्चा नीट या IIT में या और किसी एग्जाम में क्लैट में अगर पास नहीं हो पाता तो उसको आपको अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया को, दुनिया में दुनिया में जिन जिन लोगों ने भी तरक्की की है और दुनिया में नाम कमाया है तो उनमें से अधिकतर कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। तो बच्चों को यह समझने की जरूरत है कि ये जो कॉलेज की डिग्रियां हैं वो किसी भी सफलता की गारंटी नहीं है, आपका जो टैलेंट है वो आपके अंदर होता है, उसको निखारने की जरूरत है, वो निखारने का काम पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, कैरियर काउंसलर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सफलता के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में क्या पता क्या ऑप्शन आपके पास खुल जाए। लेकिन हिमांशु जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कोशिशें सरकार कह रही है, बता भी रही है, कमेटियों का गठन अभी राजेंद्र जी कह रहे थे जिसमें मनोचिकित्सक है, करियर काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है,
लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने स्तर पर कुछ चीजें कर रहे हैं। हमने देखा कि बीते दिनों ऐसे पंखे लगाए गए जिनमें स्प्रिंग है, लेकिन कोशिशें इस हद तक, हाँ ठीक है, कुछ ऐसे कोचिंग वाले दावे कर रहे हैं, कुछ ऐसे पीजी हैं जो दावे कर रहे हैं कि स्प्रिंग लगाने, लेकिन आपको लगता है कि स्प्रिंग लगाना इस चीज का, इतनी बड़ी परेशानी का, ज्वलन समस्या का, या फिर ये कर देना कि ऑल्टरनेटिव क्लासेस हो जाए, दो महीने के लिए ब्रेक हो जाए, इससे खत्म हो जाएगा ये सब कुछ? देखिए, इसका जो उपचार हो सकता है वो जन जागरण हो सकता है। और जब मैं पहली बार अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा था हम सबको मिलकर इसको संबोधित करना पड़ेगा। पर मेरी नाराजगी जो है वो इस बात से है कि मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र, उन्होंने बहुत सारे बिंदु गिनाए कि सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है। अगर सरकार ये सब कर रही है और उसके बाद भी कोटा के अंदर सुसाइड कम नहीं हो रहे हैं, तो फिर सरकार का जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना लाजमी है। मैं दो दस्तावेजों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला दस्तावेज इनका स्वयं का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें ये एक रेगुलेटरी रिजीम का वादा करके सत्ता के अंदर आते हैं। दूसरा दस्तावेज जिसमें कांग्रेस सरकार राजस्थान हाईकोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट देती है कि हम इस तरीके का कानून बनाएंगे, और इसके आधार पर वो एक ड्राफ्ट पब्लिक में लाते भी हैं, परंतु वो ड्राफ्ट कभी भी राजस्थान विधानसभा की शक्ल नहीं देख सका। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री के सामने एक मंत्री उसको प्रेम प्रसंग का मामला बता देते हैं। देखिए, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता कोटा, जो कि एक कोचिंग कैपिटल है, उसको सोसाइट कैपिटल नहीं बनने देगा। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, सरकार के खिलाफ जाकर भी काम करेंगे। और अगर इस तरीके के स्टेटमेंट जो धारीवाल जी ने दिए हैं, सरकार कि प्रेम प्रसंग का मामला है, तो मैं साफ कहता हूं कि इसे नहीं सहेगा राजस्थान। ठीक है, अगर सभी साथ में चलकर काम करेंगे तो फिर इसके हिसाब से मेरे ख्याल में जल्दी इस समस्या से हम पार पा पाएंगे कुछ हद तक। अनिता जी, आप बताइए, उन बच्चों के लिए एक मैसेज आप दे दीजिए, क्योंकि आप तक ये बच्चे पहुंचते होंगे, ऐसे पेरेंट्स पहुंचते होंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी फर्स्ट इंडिया के जरिए आप उन पेरेंट्स को एक मैसेज दें कि इस तनाव से अपने बच्चों को कैसे दूर किया जाए, उस स्थिति से कैसे बचा जाए जो समय क्रिएट हो रही है। और दूसरा मैसेज मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को दें कि जिंदगी खत्म नहीं होती है इसके बाद। सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को समझने वाली बात है, पहले आप अपने बच्चे को समझिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उसको करियर चुनने की एक आजादी दे कि वो आगे क्या बनना चाहता है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि उनको आगे क्या बनना चाहिए, तो इसके ऊपर पेरेंट उनको गाइड करे, अपनी इच्छाएं ना धोपे कि नहीं तुमको तो डॉक्टर बनना है या तुमको इंजीनियर बनना है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो उससे आपका कम्युनिकेशन हमेशा रहना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, वहां पे कैसा फील कर रहा है। अगर वो बच्चा बार बार आपको कह रहा है कि नहीं मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मेरे को अकेला फील हो रहा है, या मेरे से समझ में नहीं आ रहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत अकेला फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को कोई परेशानी है। सिर्फ ये नहीं कहे कि बच्चे को पढ़ना नहीं है, इसका बहाना बना रहा है, ऐसा सोचकर उसको नजरअंदाज ना करे। बच्चे से कंटिन्यूसली बात करते रहे, उसके पास में भी जा सकते हैं, बात करें, उसके कोई फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि कई बार माँ बाप की भी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे। समय का अभाव है, बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी चीज के लिए सोचा है कि हमें वो करना है तो पूरे मन से उसकी तैयारी करें, पर हाँ उसके बारे में हमेशा ये रखें कि ये पहला दरवाजा है, अगर ये बंद होता है तो दूसरा दरवाजा क्या, दूसरा ऑप्शन क्या, उसका हमेशा अपने माइंड में रखें। अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे मुझे क्या करना है। दीपक जी, एक लास्ट कॉमेंट आपसे भी चाहूंगी, आप भी बच्चों को बताइए कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, जिसकी हसरत लेकर हर साल 2 लाख बच्चे पहुंचते हैं कोटा, अगर वो नहीं होता है, अगर 3 साल 4 साल 5 साल जिंदगी के उसमें दे भी दिए तो पीछे मुड़कर वापस आया जा सकता है। करियर ऑप्शंस और भी हैं सर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एयरफोर्स में जाना चाहते थे जी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, और वो केवल एयरफोर्स के एक पायलट या एयरमैन बन करके नहीं रहे बल्कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बन गए। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी रास्ते में आप अगर आगे चल रहे हैं और उसमें आपको अगर एक सफलता नहीं मिल रही है तो दैट डजंट मीन कि आपके लिए आगे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो हजारों रास्ते ऐसे हैं जिनके बारे में विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने ड्यूअल लेयर का एक जो बना रखा है कि जो अपर सीनियर उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 80% एंड अबव लेकर के आते हैं, उनको एक अलग ग्रुप बना
बना दिया जाता है और बाकी को दूसरे ग्रुप में छोड़ दिया जाता है। और दूसरे ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनसे बार बार ये कहा जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूट में ये नहीं चाहते कि उनके इंस्टीट्यूट में से कहीं भी कोई बच्चा जो है वो फेलियर दिखाई दे। इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक बच्चों का सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, पेरेंट्स को ये चाहिए कि टेंथ ऑनवर्ड्स जो है उनके एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए जाएं बच्चों के, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर जो उनका एप्टीट्यूड निकल करके आता है, जो बच्चों की इच्छा के अनुरूप होता है, जो बच्चों की रुचि के अनुरूप होता है, अभिरुचि के अनुरूप होता है, उसको वही सब्जेक्ट जो है वो लेने के लिए कहा जाए और उसको दूसरे सब्जेक्ट्स लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। और अंत में मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि विजेता कभी थकता नहीं और थकने वाला कभी जीतता नहीं। बहुत वजह फरमाया सर आपने, और इसी के साथ में शो की एंडिंग करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि परेशान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, लेकिन देर से ही सही, लेकिन मंजिल उनको जरूर मिलेगी जो कि कोशिश करते हैं, अपने घरों से निकले हैं और जिन्होंने पंख फैलाने की कोशिश की है। फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि ऐसे कोचिंग संस्थान जो कि सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं वो भी सुनिए। किसी के घर का बच्चा जब जाता है तो आप सोचिए कि कितने साल तक, और साल के बाद नहीं जिंदगी तक वो उबर नहीं पाते हैं। कोशिश यही कीजिए और बच्चे भी ये सुनिए कि जिंदगी पीछे मुड़कर आप वापस आने का भी नाम है, सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाने का नाम नहीं है। आप डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर भी अपने घर के राजा बेटा रहेंगे तो माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी। इसी के साथ जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास विषय पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बार कॉल कर चुकी है किसी की, वो प्रेशर में है, कोई व्हाट्सएप चैट वायरल की है, ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जाने।